हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके चैनल टेक जंक्शन में, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, इनोवेशन की बात होती है और हर उस चीज़ की बात होती है जिससे आपकी ज़िंदगी और आसान और बेहतर हो जाए। दोस्तों, वन प्लस ने अनाउंस कर दिया है अपना नया फ़ोन वन प्लस 10 Pro 5G, जो कि इस बार उसने हेजलब्लैड कंपनी के साथ में मिलकर बनाया है, जो कि इनोवेटिव कैमराज और लेंसेज बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। इससे पहले कि मैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन के बारे में बात करूं, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। ईयर 2014 में वन प्लस कंपनी ने वन प्लस वन लॉन्च किया है। इससे पहले MI इंडिया में बहुत ही अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो चुकी थी, छा चुकी थी बहुत, और साथ ही बहुत ही कम प्राइस में वो बहुत ही बढ़िया फीचर्स के फोन लॉन्च कर रही थी। वन प्लस ने अपना वन प्लस वन इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि 14 या 15 हज़ार रुपये का था। अब दिलचस्प बात यही रही कि कंपनी ने इस फोन को अवेलेबल रखा सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन्वाइट कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। कंपनी की नियत साफ थी कि कंपनी इस फोन को बेचने से ज्यादा अपनी ब्रांड के प्रमोशन में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, और हुआ भी यही। थोड़े ही टाइम में OnePlus ने इंडिया की ह्यूज मार्केट को कैप्चर कर लिया अपने यूनिक कैंपेन की वजह से, और OnePlus One के प्रीमियम फीचर्स की वजह से ये फोन OnePlus के लिए बहुत ही बढ़िया सक्सेसर रहा। इसके बाद कंपनी ने लॉन्च किया OnePlus 2, और उसमें भी कंपनी ने सेम यही स्ट्रेटजी अपनाई और वो भी मार्केट में खूब बढ़िया चला। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये रही कि कंपनी ने OnePlus 1 जो 14-15 हज़ार रुपये की रेंज में लॉन्च किया था, कंपनी ने OnePlus 2 को 22-23 हज़ार रुपये में लॉन्च किया इंडिया में। और ठीक इसी तरह जब कंपनी ने OnePlus 3T लॉन्च किया तो कंपनी ने फिर से इसकी प्राइस बढ़ा दी। कंपनी की नियत साफ थी कि कंपनी फ्लैगशिप मार्केट को कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन OnePlus 3T के मार्केट में लॉन्च के टाइम कंपनी ने अपने इनवाइट ओनली कैंपेन का यूज नहीं किया। कंपनी ने इस कैंपेन को बंद कर दिया क्योंकि कंपनी को लगता था कि अब उसकी इंडिया मार्केट में पकड़ बन चुकी है, और कंपनी सही भी थी। OnePlus 3T भी खूब बिका। उसके बाद कंपनी ने OnePlus 5 सीरीज निकाली, 6 सीरीज निकाली, 7 सीरीज निकाली, और आज OnePlus 10 तक आ चुकी है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि OnePlus ने अपने हर सीरीज में अपनी प्राइस बढ़ाकर ही रखी है, और OnePlus ने सिर्फ फ्लैगशिप मार्केट को ही कवर किया है। कंपनी ने अपनी हर सीरीज के लॉन्च में उनकी प्राइसिंग तो बढ़ाई, उनके फीचर्स भी बहुत इनोवेटिव लेकर आए, उनके कैमरे पे ध्यान दिया, उनके प्रोसेसर पे ध्यान दिया, उनकी हर चीज पर ध्यान दिया, और यही वजह है कि भारत में OnePlus कंपनी के फोन के लाखों लॉयल कस्टमर हैं और बेसब्री से वेट करते हैं OnePlus के नए सीरीज के आने की। मतलब कंपनी ने मिड रेंज के प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, उसके बाद में फ्लैगशिप फोन बना रही है कंपनी। अब मिड रेंज में कंपनी कोई फोन बनाती ही नहीं है। तो ये तो थी OnePlus की एक बड़ा ब्रांड बनने की कहानी। अब आ जाते हैं OnePlus के नए सीरीज के फोन पे, OnePlus 10 Pro 5G पर। इस फोन का लुक बहुत ही स्टनिंग है। इसके राइट साइड में साइलेंट बटन और पावर बटन है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप और डाउन बटन है, और OnePlus के सभी फोनों की तरह इसमें भी सी टाइप चार्जिंग है। बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें आपको एंड्रॉइड 12 मिलने वाला है, जो इसका चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8th Generation 1। ये नया चिपसेट है जो इसने यूज़ किया है, और साथ ही इसका CPU है ऑक्टा-कोर, फैब्रिकेशन इसका है 4nm। ग्राफिक्स मिलेंगे इसमें आपको एड्रिनो 730 के, और इसकी रैम टाइप होगी LPDDR5। आपको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो का 29, और उसके पिक्सल डेंसिटी होगी 526। मतलब डिस्प्ले तो आपकी गजब की होगी। साथ ही आपको मिलने वाली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, और इसकी ब्राइटनेस है 1300 nits, जो कि मुझे लगता है मार्केट में सबसे ज्यादा है। साथ ही इसमें HDR10+ सपोर्ट मिलेगा आपको। अब इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें है 5000mAh की बैटरी, जिसे ये फोन 32 मिनट में पूरा 100% चार्ज कर देगा अपने फास्ट चार्जर के साथ में। और क्योंकि ये फोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो ये वायरलेसली अपने फोन को 47 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। और इसका वेट 200 ग्राम है, थोड़ा सा बल्कि है, लेकिन इतने फीचर्स मिल रहे हैं तो इतना तो आप एडजस्ट कर सकते हो। आई होप ये फ़ोन फटेगा नहीं। अब कैमरा की बात करूँ तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेट है। पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, जो कि प्राइमरी कैमरा है, जिसका अपर्चर f1.8 है। दूसरा कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिसका अपर्चर f2.2 है। और तीसरा है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। साथ ही लो लाइट को सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर डुअल कलर LED फ्लैश दे रखी है, और इसका इमेज रेजोल्यूशन होगा 8000x6000। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 24 FPS पर। तो कैमरा लवर्स के लिए तो फोन बहुत ही गजब का होने वाला है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में इसके है 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, जिसका अपर्चर है 2.4। कुल मिला के ये फोन बहुत ही धमाकेदार फीचर्स के साथ आने वाला है। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो शायद माना जा रहा है कि ये फोन 55 हज़ार रुपये के राउंड में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब आप बताइए आपको ये फोन के फीचर्स कैसे लगे और इसका प्राइस क्या हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। जल्दी ही फिर मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।